आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एम जी पॉलीटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज कैट गैम का लेक्चर नंबर 2.3 है, यूनिट 2 का आज थर्ड लेक्चर है। फाइन, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को रिकैप करा दूँ। आप लोग ने क्या पढ़ा था, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस, पैरामेट्रिक एवं गैर पैरामेट्रिक सरफेसेस। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो कंप्यूटर अंग्रेजों ने बनाया है, ठीक है, उनके हिसाब से जो भी टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। अगर आप इसका हिंदी ढूंढने जाएंगे ना तो हिंदी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी हिंदी में भी अगर आपको लिखना पड़ेगा तो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देंगे, इसका कोई अनुवाद नहीं है। परंतु जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको ऐसा लिख देंगे, पैरामेट्रिक। अब ये आपके ऊपर है कि इंग्लिश को हिंदी में लिखा हुआ पढ़े कि हिंदी में समझ के पढ़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन ये था कि सर हिंदी में लेक्चर्स को लिया जाए, लेकिन बाबू मेरे हिंदी में उसका अनुवाद जब होगा तभी तो आपको समझ में आएगा। फाइन, तो जो चीज़ इंग्लिश में है और इंग्लिश लोगों ने बनाई हुई है तो वो चीज़ हिंदी में आपको कैसे मिल सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का मतलब समझ लीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, हिंदी हो इंग्लिश हो कुछ भी हो, आप अगर उसका मतलब समझ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ऑमलेट, आपको पता है क्या होता है ऑमलेट, जो अंडे का बनता है, अब आप मुझको उसका हिंदी बताइए, तो हिंदी तो पता नहीं है, ठीक है। ऑमलेट आपको पता है कि होता है क्या है, उसको फोड़ के उसको तेल में तल के बनाया जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ बेटा कि जब भी आप नाम सुनो इंग्लिश का तो उसका मतलब समझ लो, आपके दिमाग में वो पिक्चर बन जानी चाहिए। उसका हिंदी अनुवाद में जाओगे तो ऑमलेट का पहले मुझको हिंदी अनुवाद बता दो, उसके बाद मैं इसका पैरामेट्रिक का बता दूंगा। फाइन, खैर आप लोग को उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑमलेट का मतलब मुझे भी पता है, हिंदी हो चाहे ना हो पेट भरने से मतलब है ना यार। तो फाइन, आप लोग ने कल पढ़ा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ने देख लिया था, इसके बारे में डिस्कशन हो गया था। ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब आएगा तो मैं आपको खुद ही आगाह कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक था वो आइए कमांड्स यूज्ड इन कैड कैम। अब ये कमांड्स का मतलब क्या होता है, निर्देश देना, निर्देश, किसको निर्देश देना है, कैड कैम में क्या करने के लिए, फॉर 3D प्रोडक्ट या 3D मॉडलिंग, यानी 3D मॉडलिंग को बनाने के लिए यदि आप कंप्यूटर पर निर्देश देते हैं, इनपुट देते हैं, तो ऐसे ही निर्देश को आप क्या कहेंगे, कमांड्स। कमांड्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं कैड कैम में किसी भी 3D मॉडलिंग को बनाने के लिए, तो यही आज टॉपिक का खुलासा है। इसी में आपको पढ़ना है कि कितने टाइप्स के कमांड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि 3D अगर आपको मॉडलिंग करना है तो एक कमांड होता है रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व कमांड। इसको सेलेक्ट करने से क्या होता है कि दी गई आकृति किसी एक निश्चित अक्ष पर क्या हो जाती है, रिवॉल्व कर जाती है, घूम जाती है। इससे क्या होगा कि एक आकृति थी वो तो 2D में है, लेकिन जब किसी उसको एक एक्सिस के अराउंड घुमा दोगे पूरा, तब वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो 3D में। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो कमांड का मतलब हो गया आपका निर्देश, उस सारे निर्देशों के जितने प्रकार हैं वो आपको पढ़ना है, उनमें से पहला जो निर्देश है, जो पहला कमांड है, वो है आपका रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व कमांड।
रिवॉल्व कमांड के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी अक्ष के सापेक्ष घुमा देना। रिवॉल्व का मतलब ही घुमा देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये लाइन है और ये अक्ष है, ठीक है। ये लाइन रही आपकी और ये क्या है, अक्ष। इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो है R, ठीक है। यदि हमने इस लाइन को सेलेक्ट करके रिवॉल्व कमांड लिया और ये निर्धारित कर दिया कि ये x x एक्सिस जो है इसके अराउंड घूमना है, तो क्या होगा, इसका एक पूरा रोटेशन बन जाएगा, गोल घूम जाएगा ना ये। दिखाई दे रहा है, ये हम गोल घुमा दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये जो लंबाई है ये लंबाई यहाँ पर भी बरकरार रहेगी, ठीक है। ये अब ये तो आधा आपने रोटेशन किया, अब इसको वापस भी घुमा के लाना है ना। अब ये तो क्या हुआ आपका 180 डिग्री का हुआ, लेकिन रोटेशन का मतलब क्या होता है कि 360 का रोटेशन हो, तो ये पूरा ऐसे घूम के आ जाएगा यहीं पर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या था, एक लाइन थी, ठीक है। तो आइए बच्चों, वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, अभी सुचारू रूप से क्योंकि मौसम भी सही नहीं चल रहा है तो इसीलिए लाइट का आना जाना लगा हुआ है। तो लाइट के आने जाने से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, फाइन। हम लोग देर सवेर वीडियो बना के या फिर पीडीएफ की सहायता से आपको सामग्री पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, लाइट भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो इसका यार हिंदी वर्ड ढूंढना तुम लोग, फाइन। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि रिवॉल्व कमांड क्या होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि एक लाइन थी आपके पास, परंतु उस लाइन को किसी अक्ष पर रिवॉल्व कमांड देने से एक लाइन जो है किसमें चेंज हो गया, सिलेंडर में। लाइन जो है किसमें चेंज हो गया आपका, सिलेंडर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिलेंडर बनेगा वो खाली खोखा वाला बनेगा, खोखला वाला, हॉलो सिलेंडर जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सॉलिड सिलेंडर बने, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये एक आपने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल के ये जो साइड है, ये वाली, इस वाली साइड के अक्ष पर, इसी साइड के अक्ष के सापेक्ष आप इसको घुमा दीजिए, इसी वाली साइड के सापेक्ष आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को घुमा दिया, तो ये घूम के पूरा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और दोबारा से रिवॉल्व करा के वापस लाना है इसको, यानी कि यहाँ ये ऐसे आ गया, यानी अब ये जो बनेगा ये सॉलिड बनेगा, पूरा भरा हुआ, ठीक है ना, ठोस। और ये बनेगा खाली, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे एक लाइन कंसिडर किया था और उसको एक्स एक्स सापेक्ष, एक्स एक्स एक्सिस के सापेक्ष घुमा दिया, ठीक है ना। जैसे आपको समझाने के लिए, ये देखिए, ये एक एक्सिस है और ये एक लाइन है। इस लाइन को अगर हम कमांड दें इस वाली एक्सिस के आगे घूमना है, तो ये इतना ही एरिया कवर करेगा और बीच का एरिया क्या है, खाली है, फाइन। अब अगर मान लीजिए कि ये ऐसा हो, ऐसा आप देख रहे हो, ऊपर से क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है अगर, और इसको अगर इस चीज़ के आगे घुमाओगे तो पूरा जो सरफेस है वो पूरा क्लोज सरफेस बनेगा, क्लोज सरफेस बनेगा। इसका माने कि वो क्या हो गया है, अब वो सॉलिड बन चुका है, ठोस। और क्लोज सरफेस ना होने की वजह से लाइन को अगर आप रोटेट करोगे तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आपको हॉलो सिलेंडर बनाना है तो आपको कौन सी आकृति लेनी होगी और उसको रिवॉल्व कराना होगा कि आपका ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाए, हॉलो सिलेंडर। यदि आपको ठोस बनाना है तो आपको कौन सी आकृति लेनी होगी कि आपका एक सॉलिड सिलेंडर तैयार हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट था रिवॉल्व का,
इसी तरीके से रिवॉल्व कमांड से आप शंकु बना सकते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया ये, फाइन। इस ट्रायंगल पे ये जो साइड है, इस वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग में आपने क्या किया, इसका रोटेशन कर दिया। इस वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इसका रोटेशन कर दिया। तो अब ये रोटेट होके किस तरह बन जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये वाली लाइन यहाँ घूम जाएगी, ठीक है, और ये वापस दोबारा घूम के ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिए कुछ बन रहा है ना शंकु जैसा। यानी आपको एक 2D फिगर लिया आपने ट्रायंगल, उसको एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, किसी एक साइड के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करा देने से, कमांड से, रोटेट कमांड से, रिवॉल्व कमांड से इस्तेमाल करने से आपको 2D से क्या मिल गया, 3D सरफेस मिल गया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कैड कैम में, कि दो डायमेंशन से, यानी 2D से, कोई 2D फिगर से 3D फिगर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं अलग अलग कमांड्स को लेके। तो आज बच्चों रिवॉल्व कमांड तक, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली लेक्चर में वेरियस टाइप ऑफ कमांड्स लेंगे, जिससे आप रिवॉल्व कमांड के अलावा भी जितने भी कमांड्स होते हैं, जैसे एक्सट्रूड कमांड होता है, ब्लेंड कमांड होता है, स्वेप्ट ब्लेंड कमांड होता है, हेलिकल कमांड होता है, कई सारे कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार आप किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसका जो है गहन अध्ययन करते रहें, समझते रहें, जो समझा रहे हैं, जो आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, फाइन। आप लिख लेंगे ज़रूर अगर आपको समझ में आ गया, तो नहीं समझ में आया है तो लिखोगे क्या, ठीक है। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हम कमांड्स बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी जो हम ओरली बोल रहे हैं आपको, वीडियो में जो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, वो चीज़ आप लिखते चलिए, ठीक है। वो चीज़ अगर आप लिखते चलेंगे तो आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा और नंबर ऑफ कमांड्स के आपके पास लिस्ट बन जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों हम आपको छोटी छोटी टिप्स भी देते रहेंगे कि आप कैसे नोट्स बनाएं, कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो आप हम लोग से जुड़े हुए रहिए, साथ ही साथ आपको जिस किसी की भी तरीके की समस्या आती है तो आप बेझिझक जो है डायरेक्ट फ़ोन कॉल या डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपसे अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2.4 में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, इंग्लिश भी पढ़ते रहें एवं सुरक्षित रहें।